सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कल जो फंडामेंटल रिलीज या फंडामेंटल न्यूज मार्केट को हिट कर सकती है। अब इस न्यूज के आने के बाद या तो गोल्ड ऊपर जा सकता है, या तो DXY ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, यूरो यूएसडी में क्या इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल यूएस के स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखते हैं इस न्यूज को। तो देखिए फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी हिट होती है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको बनती हुई नज़र आती हैं। अच्छा देखें, अगर हम एक तो पर्सपेक्टिव से बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर के, या जो हम नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, देखें हम काफ़ी सारे बंदों का व्यूज़, जैसे पिछली वीडियोज़ मैंने कुछ बनाई थी तो वो कह रहे थे कि न्यूज़ जस्ट जो ना ऐसे अलर्ट करने के लिए होती है। देखो ऐसा नहीं होता, फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर बेस करते हैं मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, जिसकी वजह से जो बिग प्लेयर्स हैं लाइक इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हैं, जो हैज फंड्स हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो लोग अपने फ्यूचर के डिसीजंस को जो है ना ऑल्टर करते हैं। लाइक अगर कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं रिलेटेड टू फॉरेक्स। देखिए फॉरेक्स का मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करता है ये मैंने किसी और वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, सो सब्सक्राइब। अभी हम बात करते हैं जो कल हमें डेटा मिलना है, जो 5:30 बजे एक डेटा आएगा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का होगा। देखिए फंडामेंटल समझने के लिए ना थोड़ा सा अपने माइंड को फुली एक्टिवेट करना होगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक है। अभी लिंकिंग कितनी बड़ी है ये मैं आपको खाली एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, बाकी रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स तो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे ही। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है क्या, सबसे पहले तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं खुद जो है ना देखें नोटिंग करता हूँ, आपको भी लाजमी नोटिंग करनी है, प्रॉपर प्लान बनाना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वो क्लेम्स हैं जो यूएस के अंदर वो लोग जो जॉब सीकिंग हैं या जॉबलेस हैं, जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी जॉब नहीं मिली, जो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, तो वो अपने जॉब्स के जो बेनिफिट्स हैं, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हैं, वो जाके क्लेम करते हैं। अब देखें एक नंबर है, जैसे कि लास्ट टाइम जो प्रीवियसली नंबर था वो 208,000 का था, मतलब ये 208,000 वो लोग हैं जिन्होंने जाके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कलेक्ट किए फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की अगर हम बात करें तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लेना लोग कम कर दें, इट मींस ये कि जॉब मिल चुकी है उन्हें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें जॉब मिल गई। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई, ये चीज़ लाजमी नोट कीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर बढ़ जाते हैं इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जॉब्स काफ़ी सारे लोगों की चली गई, जिससे क्या होगा इन्फ्लेशन के कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग या जो बाइंग पावर है लोगों का कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन देखें हर कंट्री का एक कंसर्न होता है, बहुत बड़ा मसला होता है, मोस्टली लोग इन्फ्लेशन के लेके ही जो है ना वो चल रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है क्या इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है ना, अब इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए ये एक इंडिकेटर है, इसको आप दूसरे फंडामेंटल डेटा के साथ भी कंबाइन करोगे तो आप डिसीजन ले सकते हो। जस्ट हम अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और सिनेरियो बैकग्राउंड सिनेरियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाजमी देखिएगा बैकग्राउंड सिनेरियो क्या है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्फ्लेशन के चांसेस कम है क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, अब जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट किया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुकी है तो अब हम इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ गए डॉलर तक, आपको न्यूज़ में हमेशा आना है कि डॉलर क्या होगा, यहाँ पर डॉलर वीक होगा जो DXY के नाम से इंडेक्स है। अब ये तो हो गया एक सिनेरियो वन, सिनेरियो टू क्या है, अब अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर कम हो गया, मतलब लोगों ने कम क्लेम्स लिए, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड सिनेरियो क्या होगा। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जॉब क्रिएशन ज़्यादा हुई, लोगों को ज़्यादा जॉब मिली, ज़्यादा जो है ना वो लोगों के पास अब पैसा आएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्फ्लेशनरी डेटा, इससे क्या है कि इन्फ्लेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका एक पॉजिटिव ट्रिगर भी होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि जब
बंदे हायरिंग करते हैं जो बिजनेसेस, इट मींस ये क्या, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। अब इससे क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन का डेटा जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे इन्फ्लेशनरी लगता है जो राइट नाउ डेटा आ रहा है, तो इससे जो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी और यहाँ पे हम रुक जाते हैं, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। अब मेजर पॉइंट, व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज, कॉन्टेक्स्ट क्या है राइट नाउ, अगर हम बात करते हैं मई की, 8 मई, राइट नाउ सिनेरियो ये है कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की बात हो रही है कि कट किया जाए। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स को कट ना भी किया जाए ना, तो ये एक अलग सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट्स को कट करना है, क्योंकि ऑलरेडी 5-5.5% पे पहुंचा हुआ है, बढ़ाने के चांसेस तो यहां से कम ही है, लेकिन अभी जो साइकिल है वो डिक्रीजिंग साइकिल की तरफ है। अब अगर इन्फ्लेशनरी डेटा आता है, इन्फ्लेशनरी डेटा के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है ना वो कम हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उससे कम होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब इंटरेस्ट रेट्स को और ज्यादा स्टीडी रखने की जो है ना वो बात हो सकती है। हो सकता है वो 2025 में कोई भी कट ना करें, या 2024 में कोई कट ना करें, या 25 के मिड तक भी कटिंग ना हो, तो ये क्या होगा, ये अनदर ट्रिगर होगा जो डॉलर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जिससे स्टॉक्स और दूसरे जो भी एलिमेंट अगेंस्ट डॉलर ट्रेड कर रहे हैं डाउन आएंगे। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का नंबर बढ़ता है तो दिस विल बी द पॉजिटिव ट्रिगर के इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है और अब इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जा सकता है, तो यहां से क्या होगा, डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी। अब देखें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट के आपको एक्चुअल, ठीक है, वर्सेस फोरकास्ट को देखना है। अब लेट्स सपोज राइट नाउ जो है ना एक्चुअल क्या है, प्रीवियस था 2,08,000 का नंबर, फोरकास्ट क्या है कि 2,12,000 का आएगा, मतलब द एनालिस्ट आर एस्टिमेटिंग के नंबर बढ़ जाएगा। अब यहां पे आपको एक मैथमेटिक्स का छोटा सा जो है ना, एक स्टेट्स का छोटा सा जो है ना, एक वो लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको डेविएशन निकालनी है, सो आई एम जस्ट टेकिंग द 5% डेविएशन। अगर नंबर हायर आते हैं, 2,12,000 से ज्यादा आते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक शीट नजर आएगी जिसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर नंबर दो हायर आते हैं, 2,12,000 से ज्यादा आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो एस्टिमेट लगाया है, मैं भी एक एनालिस्ट हूं और नॉर्मली जो एनालिस्ट हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, मैंने 5% डेविएशन लिए, दैट इज द स्टैंडर्ड, आप 10% तक भी दे सकते हैं और डिपेंड करता है, वेरी करता है डेटा टू डेटा। अब अगर हम हायर वैल्यूज पे जाते हैं तो वो 2,22,000 की बन रही है मेरे हिसाब से, और लोअर वैल्यूज 2,01,000 की बन रही है। अब अगर ये हायर आती हैं, वैल्यूज आर नियर टू हायर, ठीक है ना, हायर की तरफ आते हैं, और डिफरेंस भी ले लिएगा, 4,000 का डिफरेंस, दे आर एक्सपेक्टिंग 4,000 डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस टू द फोरकास्ट, तो डिफरेंस ना 4,000 से ज्यादा आना चाहिए, ये चीज तो देखो, चाहे डाउन साइड चाहे अप साइड। अगर 4,000 से ज्यादा का डिफरेंस आता है, जो 2,22,000 के करीब आता है, बहुत ज्यादा 5-7% का वेरिएशन आ जाता है, तो ये चीज बुलिश हो जाएंगी गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस 500, यूएस 100 एंड द स्टॉक्स विल बी बुलिश। और अगर नंबर्स कम आते हैं, ठीक है ना, नंबर्स लो की तरफ आते हैं, 2,01,000 की तरफ आते हैं, 2,00,000 से नीचे आते हैं, तो ये चीजें बुलिश होंगी। कौन सी, DXY ऊपर जाएगा, USD JPY ऊपर जाएगा, USD CHF ऊपर जाएगा, तो USD CAD will also go up। Mostly देखें strength, USD strength लेगा। अगर हम bearish की बात करें, मतलब कौन से pairs bearish हो जाएंगे, तो अगर numbers high आते हैं तो DXY up जाएगा, US down जाएगा, USD JPY down, USD CHF down and the USD CAD down। और अगर जो है ना बहुत ज्यादा लो की तरफ आते हैं नंबर्स, तो गोल्ड नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, यूरो यूएसडी डाउन, जीबीपी यूएसडी, यूएस 500, यूएस 100 एंड यूएस टैक्स। ये तो हो गए हमारे एस्टीमेट्स। अब आपको इसको सिनेरियो बेसिस पे देखने, जो ऑलमोस्ट हम लाइव होते हैं ऑलमोस्ट न्यूज के टाइम पे, या इमीडिएटली जो है ना ऑन द रियल टाइम बेसिस पे हम अपने ग्रुप्स के अंदर, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे ग्रुप नजर आ रहा है, इसमें हम अपनी ट्रेड्स भी बता देते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना हम शेयर भी करते हैं। तो ये तो था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। एक और न्यूज है जो 30-year बॉन्ड ऑक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आप बॉन्ड्स का, इंटरेस्ट रेट्स का और स्टॉक्स का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं ना, यू विल रॉक। आप इन स्टॉक मार्केट्स के अंदर रॉक करेंगे। बट वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो चुकी है, तो हम इसको
रियल टाइम में लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे विद अवर स्टूडेंट्स. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर लव वंस. थैंक यू.